अभी जो हम देखते हैं नॉर्मली, सपोज इंग्लिश में हुआ, जैसे कुछ टास्क है, जैसे इफ रहता है ना, इसका मीनिंग क्या हो गया कि मेरे पास अगर टिकट है तो मैं ट्रेन में बैठ सकता हूँ। ओके, सो इफ तो ऐसे इंग्लिश सिंटैक्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपकी कंडीशन है, वो आपके पास अगर फुलफिल है तो आप आगे वाला प्रोसेस कर सकते हो। अगर सेम हमें ये करना है, जैसे सपोज ए है, कुछ वेरिएबल है, उसकी वैल्यू बराबर है 100 से, बी 100 कर दो। जैसे सपोज यहाँ पे बोलता हूँ कि आकाश के पास 100 रुपीज है, तो वो भारत को 100 रुपीज देगा, ठीक है, ऐसे टाइप में। अभी सेम आपको कोडिंग में, आप जावा में लिखते हो, राइट, वैसे ही सिंटैक्स होता है इसका। इफ यहाँ पे होती है कंडीशन, फिर रहता तो बोल्ड कर देता हूँ, मतलब कुछ कंडीशन है और वो कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको ये करना है। अगर मेरे पास 100 रुपये नहीं है तो ये मैं इसको दूंगा क्या, मतलब मैं दे नहीं पाऊंगा, राइट। और मेरे पास अगर 99 भी है तो भी मैं, ये कंडीशन है तो ही मैं आगे ये प्रोसीड करूंगा, नहीं तो मैं आगे कुछ करूंगा नहीं। मतलब इफ होता है, उसके बाद कंडीशन आती है, फिर देन, फिर उसके बाद जो भी रहेगा वो एक, मतलब वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब वो ट्रू रहेगा, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे सपोज 90 रुपीज़ ही है, मेरे पास 90 है, तो ये क्या, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट, गलत हो जाएगा। फिर ये गलत है तो मैं ये इसको पैसे नहीं दूंगा भारत को। अगर मेरे पास एग्जैक्ट 100 रुपीज़ है तो ही मैं इसको 100 दूंगा। अगर मेरे पास 110 भी है तो भी मैं इसको नहीं दूंगा। जैसे सपोज समझ लो कि मेरे पास 200 की नोट आ गई, ठीक है, तो मैं इसको, मेरे पास छुट्टे नहीं तो मैं 100 नहीं दे पाऊंगा, राइट। तो ये है, ये कंडीशन है, मेरे पास 100 चेंज है तो ही मैं आगे दूंगा, नहीं तो फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। तो सेम जावा में भी होता है, अगर हमें इस टाइप का लॉजिक जावा में लिखना है कि इफ कोई कंडीशन देन एग्जीक्यूट दिस। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज एक वेरिएबल है ए, इसमें मैंने कुछ 10 लिखा है, अभी मैं लिखता हूँ इफ इक्वल टू, क्या साइन होता है, कंपेयर करने के लिए होता है ये। जैसे इक्वल टू साइन ने क्या कर दिया, 10 की वैल्यू ए में डाल दी, तो ये इक्वल टू जो है, ऑपरेटर है, असाइनमेंट मतलब ये वैल्यू इसको दे देता है, 10 की वैल्यू ए में चली जाती है। ओके, बट यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे इक्वल टू साइन का मीनिंग होता है कि कंपेयर टू, तो ए के साथ 10 को कंपेयर करेगा, अगर ए में 10 है तो ये ट्रू रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ तो 100 ए के साथ कंपेयर करेगा, तो ए में हमारे पास है 10, ओके, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाता है। तो हम इसको ऐसे क्लोज करते हैं, देता हूँ अच्छे से अभी के लिए।
सर कुछ समझ में नहीं आया। हेलो यहाँ तक समझ में आया? ये ऊपर वाले स्टेटमेंट समझ में आया कि हमारे पास एक ऐसा होता है ना कि इफ आई हैव टिकट, मतलब मेरे पास टिकट है तो ही मैं ट्रेन में बैठ सकता हूँ, राइट। मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये हम आगे कर सकते हैं, अगर मेरे पास टिकट नहीं है तो मैं ट्रेन में नहीं जाऊँगा, राइट। ये तो समझ में आया होगा ना। हाँ सर, हाँ हाँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिखा है कि मैं आकाश हैव 100 रुपीज देन गिव 100 मतलब मैंने जस्ट उसको थोड़ा इसमें लिखा था कि आकाश के पास 100 है तो ही वो भारत को 100 रुपीज देगा। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा आपको समझने के लिए, इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू दिया क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, राइट, आकाश के पास है या नहीं है, देन वो भारत को दे देगा। ये वाला समझ में आया क्या? जस्ट मैंने ऐसे ही लिखा कि आकाश के पास है इफ इक्वल्स टू इक्वल टू 100 तो वो भारत को 100 रुपीज दे देगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपकी कंडीशन है कि मेरे पास है तो मैं आगे वाला काम करूँगा। या नहीं समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर, मत नहीं, वापस बोलना। हाँ सर, समझ गया। हाँ, मतलब इतना मैं मतलब इतना बताने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली भी आप मतलब देखो, इफ ए इक्वल टू इक्वल ट्रू टू फॉल्स वाली है ना 100 सर ये? ओके तो क्या होता है, देन देन क्या करते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे बी इक्वल टू ए कर दिया, बी में आपकी ए की वैल्यू चली गई, और सिंपली अगर हम यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग में ए है, तो मैं मुझे क्या करना है, इक्वल टू जावा में ऐसे लिखते हैं, जैसे इफ ए इक्वल टू सी, अगर ए सी के बराबर है तो मैं यहाँ लिखूंगा तो इसको मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, हमारा ये वाला आउटपुट आया, ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू सी। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर ये गलत है, सपोज ए इक्वल टू सी नहीं है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जाके सी सी में सी डाल दिया, सी में सी डाल दिया, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। ये अगर ये गलत हो जाता है ना, तो ये वाला जो ब्लॉक होता है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से ख़त्म होने वाला, इसमें ये जाता ही नहीं है, इसको ये
स्किप कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि ये गलत हो रहा है, ये कंडीशन गलत हो रही है। ओके, अभी मैं वापस से इसको ए कर देता हूँ, ये कंडीशन सही हो रही है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ए इक्वल टू सी आ गया। ठीक है, तो अभी मैं वापस से इसको सी कर देता हूँ, ये कंडीशन गलत होगी, हमारा ये प्रिंट नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे देन जो लिखते हैं हम, यहाँ पे हमने जो देन लिखा था उसके जगह पे एल्स लिखते हैं जावा में, एल्स, एल्स को भी ओपन और क्लोज किया, और मैं इसमें लिखता हूँ ए इज नॉट इक्वल टू सी। अभी मैं इसको रन करता हूँ, देखो ए इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये जो स्टेटमेंट होता है इफ एंड एल्स का, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अभी अभी आपको सब एकदम इजी बताता हूँ, ऊपर सब छोड़ दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ट्रू ट्रू लिख दिया। ओके, तो ये हमेशा इसमें जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट ट्रू है। जैसे ए इक्वल टू ए और इक्वल टू सी, ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो सकती है डिपेंड अपॉन कि ए और सी में क्या चीज़ है। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू लिख देता हूँ, ट्रू लिखा तो ये कंपलसरी यही चीज़ आएगी, क्योंकि ट्रू के केस में ये फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, मतलब रन होता है, तब वो क्या करेगा, सेकेंड वाले को स्किप कर देता है क्योंकि ये एल्स वाला है। अभी मैं कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ, तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा, मतलब इसमें जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसमें आप कितना भी कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी और और सेम और एक लिख देता हूँ, कंडीशन ट्रू होगा तब ऊपर वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला आ गया आंसर, जब फॉल्स होगा तो नीचे वाला कंडीशन, सॉरी फॉल्स में नीचे वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होता है और ट्रू में ऊपर वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, देखो ट्रू आ गया। में आए क्या अभी? हाँ सर, अमिताभ को थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज हो रहा तो आप ये वाला, हाँ ठीक है, बस समझ आ हाँ, तो इसको ये इफ एल्स लूप बोलते हैं इसको जावा में, इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, नाम जैसे वैसे ही है, इफ सी में थोड़ा बहुत पढ़ा था सर। तो तो यही था, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी मतलब आपको कुछ भी कंपेयर करना है कि सपोज जैसे अभी हमारे पास इंटीजर है मार्क्स, मेरे पास 100 है, डबल हो रहा है इंटीजर है कि नेगेटिव, इसमें कुछ तो मतलब मार्क्स में से हमें नेगेटिव पॉइंट
माइनस करने, जैसे आपका 100 स्कोर आया है बट आपका कुछ नेगेटिव मार्किंग हो गया, तो आपको आपके मेन टोटल से, यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ, सब टोटल आपका 100 हुआ है बट आपके कुछ आंसर्स गलत हो गए तो आपका नेगेटिव मार्क्स इतना जाएगा, ओके। बट कंडीशन ये है कि कंडीशन ऐसे लगा, मतलब रिजल्ट जो आना है आपका कैसे आएगा कि रिजल्ट इक्वल टू माइनस जो नेगेटिव है, तो क्या होगा 100 माइनस 50 हो जाएगा, ओके टू 100 माइनस 50 और इसका आंसर क्या आएगा 50, ओके। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 50। बट सपोज आपका मार्क्स आ रहे हैं 40 और आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई, 60 होगी, सपोज आपको नेगेटिव मार्क्स 60 मिल रहे हैं, ओके। तो अगर आप यहाँ पे करोगे 40 माइनस 60 तो आपको माइनस 20 रिजल्ट आएगा, राइट। बट आपका रिजल्ट माइनस में नहीं जाना चाहिए, अगर वो जा रहा है तो एटलीस्ट वो ज़ीरो हो जाएगा, ओके। ऐसा आपको कंडीशन रिजल्ट में दिखाना है। ठीक है, आपका ये कंडीशन ऐसा ऐसा आपको करना है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि सब टोटल जो आपका है वो ग्रेटर देन है नेगेटिव के। अभी आपने देखा होगा जैसे मैंने एन ई जी लिखा, ओके, और मुझे आगे का लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल दबा के रखता हूँ, स्पेस दबाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ऐसे शॉर्टकट यूज करने के लिए आप क्या करना है, कंट्रोल दबा के रखना है प्लस आपको स्पेस दबाना है, तब आपको ये वाला शॉर्टकट मिल जाएगा। और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे पहले हमने इक्वल्स इक्वल्स चेक किया, ये इक्वल्स ऑपरेटर है, ओके, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ये नॉट इक्वल टू है, समझ में आ जाएगा, राइट। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, कंपेयर आप जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे तो ये कंपैरिजन, हर एक कंपैरिजन आप ट्राई करना, जस्ट एग्जांपल करके, ये इक्वल्स टू, ये नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ये, ठीक है। अभी जब आपका सब टोटल ग्रेटर देन रहेगा तो आपका रिजल्ट इक्वल टू, आप ये कर दो, का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, राइट। कोई भी चीज आप यूज करते हो तो उसका वेरिएबल बनाना कंपलसरी है। ये आप यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, सपोज मैं नहीं डालता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे यूज करता हूँ तो एरर देगा, रिजल्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, तो इसको यहाँ पे आपको एज अ वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, इसको डिफाइन बोलते हैं, फिर यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं, रिजल्ट इक्वल टू इसका माइनस वाला आ गया। ये कब होगा, जब आपका सब टोटल ग्रेटर देन रहेगा, ठीक है। अगर सब टोटल ग्रेटर देन नहीं है, रिजल्ट इक्वल टू डायरेक्टली मैं जीरो बोल सकता हूँ, ठीक है। वैसे भी माइनस में आने वाला है ना, तो हमें माइनस का रिजल्ट नहीं चाहिए, लिख सकते हैं कि रिजल्ट इज नेगेटिव
नेगेटिव नंबर है तो असाइनड टू जीरो, तो फिर अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे हमने उसको ये कर दिया, अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको ज़ीरो बोल दिया और इसको हम जाके प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसमें भी नहीं प्रिंट किया हम, इसमें करते हैं अभी। आउटपुट क्या आना चाहिए देखो, आउटपुट जीरो आ गया क्योंकि हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, ये मतलब ए इज नॉट इक्वल टू सी और कंडीशन इज फॉल्स ये। और मैं अगर इसको 100 कर देता हूँ, अभी टोटल ज़्यादा है, हमारा नेगेटिव में नहीं आएगा, तो रिजल्ट इक्वल टू 40, मतलब ये वाला कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो आप ये वाला प्रैक्टिस करना आज इफ एल्स का, मैं एक नया ये बना देता हूँ, न्यू क्लास का ये प्रोग्राम हो गया। मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ ऊपर का, इसकी जरूरत नहीं। एबीसी वाला मैं वापस से ऊपर लिख देता हूँ अलग से, देखो अभी अभी एक चीज़ है, जैसे मैंने ये वाले रिजल्ट वगैरह जो है वो लाइन नंबर 25 पे यूज़ किया है, ठीक है, उसको डिक्लेयर किया है इंटीजर करके, बट इसका यूज़ मैं उसके ऊपर कर रहा हूँ कहीं पे भी, तो वो एरर देगा मुझे, कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड एज ए वेरिएबल। तो जब उसका यूज़ करना होता है तब उसके पहले हमें इसको डिफाइन करना होता है यहाँ पे, फिर उसके बाद हम नीचे कहीं पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं, सबसे पहले सब वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं सबसे ऊपर जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, बट अभी के लिए आप यहीं पे रखो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। पर रन कर देता हूँ, कंडीशन नहीं रहने देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। आप फिर करना है इस पे प्रैक्टिस एक थोड़ी, इसे पेन कॉपी पेस्ट करके आप लिख लेना सब कुछ और रन करके देखो, और कुछ अलग अलग आपकी कंडीशन डाल के आप चेक कर सकते हो, ठीक है।